ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन हद से ज्यादा। इस मिशन में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। प्लीज यहां किसी को मार मत देना। इसका काम करने का अपना तरीका है। That was a stupid mistake. The mission is over. ताकि उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। I love it. टाइगर 3 से सलमान खान का लुक कैसे हुआ वायरल? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? कि टाइगर 3 सलमान के लिए वरदान साबित होने वाली है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनी कजरियाल। दोस्तों, सलमान खान आजकल अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। बॉलीवुड में कोरोना बम फट चुका है, लेकिन सलमान खान ने भी ठान ली है कि सबको बचा के रहेंगे, इसीलिए सेट पर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। टाइगर 3 के सेट पर अब केवल वही मौजूद रह सकता है जिसका उस सीन में काम हो, बाकी सेट में कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं दिखेगा। इस बीच फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है फिल्म का, और एक फैन क्लब ने तो सलमान खान की एक तस्वीर भी वायरल कर दी है जो कि टाइगर 3 से उनका फर्स्ट लुक बताया जा रहा है। इसमें काफी स्टनिंग नजर आ रहे हैं हमारे टाइगर, उनके माथे से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है, एक एक्शन सीक्वेंस ये लग रहा है। वहीं अगले हफ्ते से सलमान खान इमरान हाशमी के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। इस शेड्यूल में सलमान खान इमरान हाशमी के साथ बहुत ही बड़ा एक्शन सीन शूट करने वाले हैं। इसके बाद फरवरी से शाहरुख भी शामिल हो जाएंगे शूट में, जो कि कैमियो कर रहे हैं। सलमान खान विदेश में कैटरीना कैफ के साथ एक बड़े बजट का गाना शूट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि एक रोमांटिक ट्रैक है। और आपको याद होगा जब पिछली बार फिल्म आई थी हमारी, तो उसमें दिल दिया गल्ला चार्ट बस्टर सॉन्ग रहा था, सबकी जुबा पर आज भी चढ़ा रहता है। तो इसी तरह का गाना बन रहा है जिसमें करोड़ों का खर्चा किया गया है। सलमान खान ने अपने हाल ही में इंटरव्यू में बताया था कि टाइगर 3 दिसंबर 2022 में रिलीज कर दी जाएगी। सलमान खान की टाइगर सीरीज की पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है दिसंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया। माना जा रहा है कि टाइगर 3 एक बार फिर से इतिहास रचेगी। वहीं ये फिल्म सलमान खान के करियर के लिए वरदान भी साबित हो सकती है, क्योंकि सलमान खान की अगर पिछली हम ट्रैक देखें तो ट्यूबलाइट, भारत, रेस 3, राधे, दबंग 3, ये सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा भाई, इसीलिए टाइगर 3 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यशराज फिल्म्स की इस स्पाई यूनिवर्स में शामिल हो रही है, और ये जो यूनिवर्स है वो बनने वाला है वॉर से, साथ ही पठान भी उसमें शामिल होगी, और इनके जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे की फिल्मों में कूदते फुदकते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, इमरान हाशमी पहली बार टाइगर सीरीज का हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए भी ये फिल्म बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इसमें वो पाकिस्तानी टाइगर बनेंगे, जो कि पाकिस्तानी जासूस बनकर टाइगर और जोया से टक्कर लेंगे। तो आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।